पिछले 6 महीने से सरयू नदी पर बने झूला पुल को खोलने की मांग को लेकर कांग्रेस तथा स्थानीय व्यापारी एक बार फिर मुखर हो गए हैं। अपनी मांग को लेकर उन्होंने धरना दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह रसीला का कहना है कि पुल बंद होने से कत्यूर बाजार तथा आसपास की दुकानों का कारोबार चौपट हो गया है। प्रशासन ने अक्टूबर में सेफ्टी रिपोर्ट आने के बाद पुल खोलने की बात की थी, लेकिन अभी तक पुल नहीं खोला गया है। इधर व्यापारियों ने जल्द पुल नहीं खुलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मेरी एज इस समय 68 साल की है। मेरे पिताजी ने 1913 से पहले यहाँ पर बिजनेस किया। वह पुल, ये जो पुल बना अंग्रेजों द्वारा बना गया है, यह पुल ऐतिहासिक भी है और ये दोनों सीमाओं को लिंक करता है और सामरिक महत्व का भी है। उस समय सामरिक महत्व का भी है। उसके बाद ये आपका रोड का जो पुल बना है, गाड़ी वाला पुल बना है, और ये उसके बाद की परिकल्पना है। तो यह जो पुल है, यह पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है बागेश्वर के लिए, क्योंकि यह ऐतिहासिक नगरी है और सामाजिक नगरी है, आर्थिक नगरी है, और इसलिए इस पुल को बंद करना अविवेकपूर्ण कार्य है। मैं डीएम महोदया से अनुरोध करता हूँ कि इसमें पुनः विचार करने की ज़रूरत है और यह एक छोटे से मरम्मत के बाद, कम मरम्मत के बाद, यह पुल आवाजावत के लिए सुचारू किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किंतु यह बहुत, इसके जो अलाइनमेंट हैं, मैं समझता हूँ वो अलाइनमेंट इतने मजबूत हैं कि यह पुल को पुनर्निर्माण करके एक खूबसूरत पुल बनाया जा सकता है। मैंने गढ़वाल में देखा है, प्लेन्स में देखा है, पुरानी पुल हैं, अभी भी बदस्तूर चल रही हैं, उनमें कोई क्या किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया है ये पुल जो है, यह बहुत मजबूत है। मैं समझता हूँ कि इस पुल को जल्द से जल्दी क्या कहते हैं सुचारू किया जाए, जिससे व्यापारियों का हित हो सके। और वैसे भी व्यापारी बहुत परेशान है, बागेश्वर का व्यापारी, क्या यहाँ पर कई मॉल खुल चुके हैं और जिसके वजह से हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, बेरोजगारी बनी हुई है। अब दुकानें बंद हो जाएंगी, किराए की दुकानें बंद होंगी, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से हम बागेश्वर के निवासियों को परेशानी होगी। मैं सभी व्यापारियों की तरफ से महोदया से प्रार्थना करता हूं कि वह इस मामले में पुनर्विचार कर यथाशीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला बागेश्वर के द्वारा जो है इस सरयू पुल की जो ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, सन 1913 में इसका निर्माण हुआ था, और आज इस पुल को बंद करने का काम जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, जो कि बहुत निंदनीय है। इसकी हम समस्त कांग्रेसजन और समस्त बागेश्वर की जनता और यहाँ के सम्मानित व्यापारी वर्ग इसकी कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और इस एक बात आप हमें बताइए कि जिस तरीके से अगर हमारा मकान पूरा पुराना हो जाता है तो क्या उस मकान में ताला लगा दिया जाता है? वो काम इन्होंने यहाँ पर टिन ठोक करके इस रास्ते को बंद करने का काम किया है, जिससे यहाँ के व्यापारी भी प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ की जनता और जो यहाँ से जो प्रेत जाते हैं इस घाट के लिए, वो सभी प्रभावित हो रहे हैं इस पुल से। इसलिए हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा इनको जो है जल्दी से जल्दी इस पुल को खुलवाएँ, और पुल खुलवाने के साथ ही साथ जो इस बागेश्वर की जो व्यापारियों की जो व्यथा है और जिन लोगों ने बैंकों का कर्जा ले रखा है, बैंक से कर्जा लेकर के अपनी दुकानों को चला रहे हैं, उन लोगों के आय के स्रोत, उनसे उनके परिवार के लोग प्रभावित हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन जो है इस पुल को जल्द से जल्द खुलवाएँ। पिछले 20 जुलाई को इस पुल को बंद किया गया था और आज 20 नवम्बर को इसको 5वां महीना पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक प्रशासन और शासन और सरकार के कानों में जू तक नहीं रह गई है, जबकि यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ के 2-2 विधायक और उपचुनाव में भी इन्होंने जो है कांग्रेस को इन्होंने उपचुनाव में हरा करके जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोगों ने समर्थन दिया, और यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, 3 ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख यहाँ के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, तमाम राज्य मंत्री यहाँ के बने हुए हैं, अभी सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी के, उसके बावजूद भी आज इस देखे कि इस पुल की दशा यह है और यहाँ के व्यापारियों की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है,
क्योंकि उनके ऊपर काफी कर्जा है बैंकों का, जिसको चुकाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ के व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।